Hey dosto, I'm Kalpana Jain and I'm back with another video that is how to pass accounting entries in GST. This is a requested video from one of my viewer and the notes for the same is given in the description below. Watch till the end of this video because at the end of this video I'll show you how to set off the journal entries in GST. So let's start. So as you can see here, I have given 3 to 4 transactions. And for that, I have passed the journal entries. So the first one is Mr. X purchased goods rupees 1 lakh for all the transaction I have taken intrastate transaction if you don't know what is intrastate transaction please watch my previous video the link for the same is given in the description below so in a normal accounting entries what would be the journal entry that would be purchases account debit to creditors account. और टू कैश अकाउंट अभी जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो जनरली अकाउंटिंग में हम क्या एंट्री मा देते हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर अगर कैश परचेज हुआ हो तो टू कैश अकाउंट देते हैं तो सेम एज इट इज़ हमें वैसे ही करना है पर यहाँ पर दो एंट्रीज ज़्यादा हो जाएंगी वो है इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी यहाँ पर मैंने सब के लिए ट्वेल्व परसेंट एज एन एग्जाम्पल के तौर पर लिया है सो इनपुट सी जी एस टी में सिक्स परसेंट चला जाएगा इनपुट एस जी एस टी में सिक्स परसेंट चला जाएगा यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग दैट वेन इट इज़ अ परचेज इट इज़ ऑलवेज Input tax whenever it is. सेल्स इट इज़ ऑलवेज आउटपुट टैक्स जब भी आप कोई परचेज कर रहे हैं तो वो इनपुट ही होगा जब भी आप सेल कर रहे हैं तो आउटपुट ही होगा वैसे ही जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप लीगल फीस पे कर रहे हैं या फिर टेलीफोन एक्सपेंस पे कर रहे हैं ऐसे कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तब भी इनपुट ही होगा जैसे भी कि आप कोई रिसीव uh, कर रहे कोई uh, पैसे रिसीव कर रहे तब यूजली आपको आउटपुट टैक्स होगा सो द फर्स्ट एंट्री इज़ परचेज ऑफ गुड्स रुपीज़ वन लैख सो परचेज अकाउंट यहाँ पे लिख दिया है हमने वन लाख रुपीस डेबिट कर दिया है इनपुट सी जी एस टी डेबिट सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड कैसे आया है अगर आप वन लाख पर ट्वेल्व परसेंट करेंगे तो ट्वेल्व थाउजेंड आएगा तो इस ट्वेल्व थाउजेंड को हमें क्या करना है आधा आधा शेयर कर देना है तो यहाँ पे सिक्स और सिक्स हो जाएगा या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली वन लाख पे सिक्स सिक्स परसेंट भी डाल सकते हैं टू क्रेडिटार्ज अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रेडिटार्ज अकाउंट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे इस इस ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिटार्ज अकाउंट लिया है आप चाहे तो अगर आप क्रेडिटास का नाम जानते हैं जैसे कि उस क्रेडिटार का नाम वाई हो सकता है जेड हो सकता है जो भी उसका नाम है उस ना उसके नाम के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया? 1, 12, 1, 12, हो गया? तो गया इसलिए और ट्वेल्व थाउजेंड एज तो गुड्स एस टी हमने पे कियाकेंड एंट्री कहता है He sold goods worth रुपीस टू लैख इन द सेम स्टेट इन द सेम स्टेट मतलब इंटरास्ट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ही हुआ इंट्रा का मतलब ही होता है कि एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन करना सो so, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेप्टज अकाउंट टू लैख ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड यहाँ पर मैं यहाँ बताऊँगी टू लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड हमने क्यों लिया है क्योंकि हमने सेल तो किया है गुड्स का वर्थ है टू लाख रुपीस पर इसको हमें क्या पे करना पड़ेगा अगेन जीएसटी पे करना पड़ेगा सो so, जीएसटी कितना हो गया ट्वेल्व थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड मतलब यहाँ पे हमें ट्वेल्व लाख के ऊपर 12 परसेंट जी लेना है 12 परसेंट जी लेंगे तो 24,000 हो जाएगा तो 24,000 को हमने क्या किया है हाफ हाफ सी सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ स्टेट गवर्नमेंट में हमने इसे शेयर कर दिया तो इन सब का टोटल क्या होगा टू लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड होगा सो so, इतना आपको समझ में आया होगा mm, मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर चलता है द नेक्स्ट वन इज फर्नीचर परचेज अगेन यहाँ पे क्या आया है परचेज़ हालांकि वो असेट हो सकता है या फिर कोई गुड्स हो सकता है वहाँ पे आया है वर्ड परचेज मतलब हमको इमपुट टैक्सी लगेगा जब भी आप कुछ भी परचेज करते हो वेदर इट इज़ एन असेट फॉर योर ऑफिस वेदर इट इज़ अ गुड्स जो भी होगा तो आपको इमपुट टैक्सी अप्लाई होगा तो फर्नीचर का वर्थ है फिफ्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड रुपीज़ सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का डेबिट रूल कहता है वॉट कम्स इन क्रेडिट रूल क्या कहता है वॉट गोज़ आउट यहाँ पर हमने कैश परचेज किया है तो हमें टू कैश अकाउंट लिखा है सो so, यहाँ पर भी सेम हो गया जैसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वैसे ही है पर यहाँ पर भी हमें एक एडिशन करना है वो है जीएसटी का इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी वो हो गया थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड अगेन थ्री हंड्रेड हुआ है क्योंकि हमने फाइव थाउजेंड 12% ट्वेल्व परसेंट लिया है यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी दिखा है ट्वेल्व परसेंट मैंने हर ट्रांजेक्शन के लिए ट्वेल्व परसेंट ही लिया है एज एन एग्जाम्पल के तौर पर तो यहाँ पे थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड हो गया फाइव थाउजेंड पे और टू कैश अकाउंट हो गया फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब फर्नीचर हमारे ऑफिस में आया है और कैश हमारे ऑफिस से बाहर गया है सो दैट्स व्हाट रियल अकाउंट से वॉट कम्स इन एंड वाट गोज आउट द लास्ट एंट्री इज लीगल फीस पेड टू थाउजेंड रुपीज ना लीगल फीस क्या है एक कोई कंसल्टेशन या लीगल फ़ीस अभी जो ऑफ़िस पे करता है वो ऑफ़िस के लिए एक्सपेंस होता है तो वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू सी जी एस टी इनपुट सी जी एस टी अगेन टू इनपुट इनपुट एस जी एस टी होगा यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ इनपुट सी जी एस टी और इनपुट एस जी एस टी ही आएगा आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं और इसके लिए भी इनपुट ही आएगा यूजुअली सेल्स जब हम कुछ आउटवर्ड मतलब हम कुछ बेच रहे हैं या फिर हम कुछ रिसीव कर रहे हैं तभी आपको आउटपुट जीएसटी आएगा वरना आपको इनपुट जीएसटी आएगा टू बैंक अकाउंट यूजुअली लीगल फीस हम उसी टाइम पे कर देते हैं थ्रू चेक हो सकता है यूजुअली कैश तो अभी ज़्यादातर लोग प्रेफर करते नहीं हैं इसलिए मैंने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख दिया है टू थाउजेंड टू यहाँ पर भी मैंने वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी रुपीज़ लिया है एज अ सी जी एस टी एंड एज अ एस जी एस टी इसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट लाइन में ही बोला था आपको कि मैंने सारे ट्रांजैक्शन पे 12 परसेंट एज अ टैक्स लिया है इसीलिए 2000 के ऊपर अगर हम 12 परसेंट करते हैं तो टू फोर्टी आते हैं जो कि मैंने सी और एस जी एस टी में डिवाइड कर दिया हैं जब भी आपको इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन वन एवर यू गेट इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन वॉट एवर द टैक्स अमाउंट इज़ कलेक्टेड इट इज़ यूजली डिवाइडेड इंटू सेंट्रल

ये हमने यहाँ पे लिया है टोटल आउटपुट जी एस टी ट्वेल्व थाउजेंड तो मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे हुआ तो आपको फर्स्ट से जो भी उस मंथ में अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ चार ट्रांजैक्शन लिए हैं आपको कंप्लीट मंथ के पूरे ट्रांजैक्शन लेने होते हैं प्रैक्टिकली हम पूरे ट्रांजेक्शन को लेते हैं पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है सो so मैंने सिर्फ फोर ट्रांजेक्शन हमें पहले क्या लिखना है आउटपुट इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आउटपुट है नहीं तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में आउटपुट है ट्वेल्व थाउजेंड द थर्ड ट्रांजेक्शन में भी नहीं है और ना ही फोर्थ ट्रांजेक्शन में है सो so, हम क्या करेंगे लास्ट ट्रांज़ेक्शन में लेंगे और जो आउटपुट जी एस सी जी एस टी है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ वो लिख लिया है हमने टू इनपुट सी जी एस टी ये इनपुट सी जी एस टी हमें कैसे सिक्स थाउजेंड फोर ट्वेंटी रुपीज़ मिला ये मैं आपको दिखाती हूँ सो so, क्या हुआ है कि यहाँ पे सिक्स थाउजेंड रुपीज़ सी जी एस टी वन इमपुट टैक्स क्रेडिट सी जी एस टी का यहाँ पे हो गया थ्री हंड्रेड रुपीज़ इमपुट टैक्स क्रेडिट सी जी एस टी का हो गया वन ट्वेंटी रुपीज़ तो हमने सिक्स थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी इन सब का ही टोटल किया है और टोटल आया है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ तो हमने एक्चुअल में आउटपुट टैक्स कितना पे करना है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ और हमने ऑलरेडी इनपुट कैसे कितना ले लिया है मतलब हमको सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ का इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो हमें नेट टैक्स पेएबल कितना है फाइव थाउजेंड फाइव एटी सिंपल भाषा में बोले बोलने तो ये हो गया कि हमको ट्वेल्व थाउजेंड पैसे चुकाने हैं और उसमें ऑलरेडी मैंने छः हज़ार चार सौ बीस रुपये पहले ही चुका पैक कर चुकी थी और अब मुझे कितने पे करने हैं फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ सिर्फ देने बाकी है सो so, इसे ही हम कहते हैं नेट जी सी जी एस टी पेएबल सो आप जितना भी परचेज़ या फिर जो भी एक्सपेंसेस आप पे करेंगे उसके ऊपर जो भी आई जी एस टी आपको होगा उस पर आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा सो दिस इज़ नेट सी जी एस टी पेएबल नेक्स्ट टोटल आउटपुट एस जी एस टी पेएबल कितना होगा ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ सेम ही है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही ट्रांजेक्शन पे सेम अमाउंट ही लिया है तो वो सेम हो जाएगा और टोटल इनपुट एस जी एस टी भी सेम ही हो जाएगा तो नेट टैक्स पेएबल भी कितना हुआ एस जी एस टी का भी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ ही हुआ पर अभी आपको यहाँ पे समझना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइव थाउजेंड फाइव एटी रुपीज़ और स्टेट में फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड रुपीज़ जाने हैं तो आपकी इस इसकी एंट्री क्या होगी पहले आप आउटपुट का लिख दीजिए आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट सिक्स थाउजेंड फोर ट्वेंटी और सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ टू नेट टैक्स पेएबल जो कितना है यहाँ पे फाइव थाउजेंड फाइव एटी और ये फाइव थाउजेंड फाइव एटी इन दोनों को मैंने क्या किया है मिला लिया है टोटल कर लिया है अगर टोटल करें तो हमें कितना आएगा लेवन थाउजेंड वन सिक्सटी आएगा तो इसको मैंने मिला लिया टू बैंक अकाउंट मतलब इतने पैसे हमें देने हैं मतलब आपको ट्वेल्व और ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थाउजेंड देने चाहिए थे इतने ऑलरेडी आपने इतने दे चुके हैं जो कि आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा और बाकी के बचे पैसे आपको क्या करने होंगे नेट टैक्स पेबल जो कि आप जी पे करेंगे सो so, इसे कहते हैं लास्ट में जो सेट ऑफ करते हैं उसे यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीएसटी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी यही इम्पॉर्टेंट है so that's it for today's video i hope you understood the concept of this video thanks for watching and if you have any uh, topic on which you want me to do a video you can write down in the comment section below and if you like this video please share and subscribe to my channel thank you